अब मैं चाहूंगा कि केंद्रा अध्यक्ष महोदय हमारे हमारे सर को यूसुफ सर को सम्मानित करें। नहीं मैं शांति दीदी से निवेदन करूंगा कि हमारी मैडम न्यूज़ की उनको जो है हम अस्थमा महोत्सव को कुछ बेहतर सम्मान दें। हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह इस पारंपरिक जो हमारी परंपरा है उसके निर्वहन के साथ ही साथ एक हिंदी अधिकारी के रूप में जो मुझे दायित्व का निर्वहन करना है उसके अनुरूप दो शब्द आपके समक्ष में रखूंगा। सबसे पहले कि पिछले एक वर्षों से मैं हिंदी अधिकारी के रूप में इस केंद्र में अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा केंद्र हिंदी क्षेत्र में आता है और हम जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि उस पर हम शत प्रतिशत अमल भी करते हैं। इस बात का हमें गौरव है क्योंकि जब सराहना हम खुद करते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जब हम दूसरे की ओर से सराहना हमें मिलती है, जब दूसरे लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमें आगे बढ़ने की हिंदी भाषा की सेवा करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो उस समय हमें बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। लगता है कि हमने सचमुच हिंदी के लिए ये 15 दिन का जो पखवाड़ा मना रहे हैं उस पखवाड़ा को मनाने के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि करने के साथ जो हमें संतुष्टि मिलती है वो मनाने से उतना नहीं है। इस चीज़ का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि पिछली बार 21 अक्टूबर को 2016 में हमारे यहाँ संसदीय राजभाषा समिति आई थी हमारे यहाँ और उन्होंने हमारे पूरे टीम की इतनी सराहना की क्योंकि हम लोगों ने हिंदी में इतने अच्छे ढंग से एक सही ढंग से जो हमने काम किया था उस काम को उन्होंने बहुत ही सराहा और उसमें हम समस्त जो हमारे दूरदर्शन के परिवार जो सर बैठे हैं इन सभी लोगों की सराहना हुई। हमारे अकाउंटेंट साहब भी उसमें शामिल रहे, जितने भी हमारे कर्मचारी पदाधिकारी हैं सब लोगों के। दूसरी चीज़ कि हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी पखवाड़ा के इस 15 दिनों में हम लोग कई प्रतियोगिताएं भी हम लोग करने जा रहे हैं सर। इन प्रतियोगिताएं में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे केंद्र के जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें ताकि पुरस्कार की राशि सब में जाए। और पुरस्कार की राशि का महत्व नहीं है, महत्व है कि हम हिंदी में कितना भाग ले रहे हैं, कितना उसमें हम शरीक हो रहे हैं, क्योंकि आयोजन में शामिल होना बड़ी बात होती है, नहीं कि पुरस्कार प्राप्त करना। तो इस क्रम में हमने आज उद्घाटन सत्र के बाद जो हमने ये 15 दिनों के अंदर जो कार्यक्रम जो शुरू किया है उसमें निबंध प्रतियोगिता होगी सर, और सिर्फ अधिकारी के साथ साथ हमने वर्ग घर के लिए भी निबंध प्रतियोगिता वगैरह का हमने ये किया है, ये हम पहले भी करते रहे जी। उसके बाद हिंदी टिप्पण प्रारूपण भी कर रहे हैं, अनुवाद प्रतियोगिता कर रहे हैं, राजभाषा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कर रहे हैं, भाषण प्रतियोगिता, कंप्यूटर पर जो हिंदी की टाइपिंग होती है उसमें किसकी कितनी अच्छी पकड़ है, किसकी कितनी अच्छी स्पीड है, गति है, उस पर भी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ कविता पाठ भी कर रहे हैं, बहुत पहले कविता पाठ
भी हुआ करती थी इसी हिंदी पखवाड़े में, लेकिन कुछ दिनों से छूट गया था। तो जब हम लोगों को पता चला, हमारे केंद्राध्यक्ष महोदय को पता चला कि हमारे अन्य अनुभाग में कई नए कवि और कवित्री भी हैं, तो हुआ कि कविता पाठ भी होना चाहिए, तो कविता पाठ भी हम लोग कर रहे हैं स्वरचित हिंदी में। और फिर अंत में 14 तारीख को हम लोग ये उसका जो है समापन समारोह हम अपने स्टूडियो में करेंगे। सर, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने अध्यक्ष और कार्यक्रम प्रमुख के मार्गदर्शन में कि हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में काम करें, हिंदी को बढ़ावा दें। ऐसे भी हम कर क्षेत्र में काम करते हैं और हिंदी के लिए ये कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वर्ष हम काम करते हैं। और हमारा तो दूरदर्शन का तो मुख्य उद्देश्य ही ये है कि हम संरक्षित करते हैं कविता, कहानी, साहित्य, संगीत, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो लुप्त प्राय चीज़ें हैं, उनके संरक्षण के लिए आज भी पूरे विश्व स्तर पर देश में हमारा एक नंबर का स्थान है। और इसका हमें कोई घमंड नहीं, लेकिन हम गर्व तो जरूर करते हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेकिन हम प्रयास करते हैं कि वर्ष भर में हम अच्छा से अच्छा काम करें। और जो हमें निवेश प्राप्त होता है वर्ष में अपने महानिदेशालय से या हिंदी विभाग से, उस पर हम लोग अक्षरशः शत प्रतिशत कार्य करने की कोशिश करते हैं कि हम उसमें सफल आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम आभारी हैं कि इतनी संख्या में हमारा परिवार आज आपके समक्ष उपस्थित है। जो नहीं उपस्थित हैं वो दिल से कहीं ना कहीं किसी रिकॉर्डिंग में या किसी कार्य में, जैसे हमारे देश के डायरेक्टर साहब हो गए, किसी बड़े उद्देश्य से कहीं पे रिकॉर्डिंग में गए हैं, तो वो भी दिल से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सशरीर वो नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम प्रमुख भी सशरीर नहीं है, लेकिन दिल से वो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रेरणा से, सभी लोगों के प्रेरणा से आज का ये आयोजन शुरू हुआ है। अब हम आदर पूर्वक अपने केंद्राध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे, श्री सर से, कि सर अध्यक्ष